और ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, मेरे ब्लॉग का आगाज होता है बहुत ही प्यारी सुबह से, जो बस अभी ही प्यारी लग रही है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो इतनी गर्मी नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धूप और फिर गर्मी भी बढ़ती जाएगी, तो बस वो टाइम फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन और वेदर्स की तरह समर्स भी अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए, तो समर्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हमें समर को भी बहुत अच्छी तरह एंजॉय करना चाहिए। और भाई, गर्मियों में तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इस सीज़न में आम आते हैं, मैंगोज़। तो भाई मेरे फेवरेट हैं, तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है, मैंगोज़। और वाटरमेलन भी भाई मोस्ट फेवरेट। बस समर्स में यही है कि अपनी स्किन केयर अच्छे से करें एंड हाइड्रेट रहें, खूब सारा पानी पिएं और मज़े करें। यस, तो इतनी सारी बातें करने के बाद अब करते हैं नाश्ता। यू नो व्हाट, दिस ब्रेकफास्ट इज माय फेवरेट, लाइक सीरियसली मोस्ट फेवरेट। रस्क एंड बटर, सबसे पहले जो मैंने खाया था, मैं बहुत छोटी थी, मैंने अपनी खाला के घर किया था ये नाश्ता। तो अच्छा, मैं खाती नहीं थी, मैं रस्क बिल्कुल नहीं खाती थी छोटी जब थी, लेकिन खाला के, अब यही होता है ना कि आप दूसरों के घर में जाके नखरे नहीं कर सकते, तो वहाँ मैंने ये खाया था और लिटरली मुझे इतना पसंद आया। बस फिर मोस्टली अब मेरा ब्रेकफास्ट रस्क होते हैं या फिर ब्रेड होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग सीरियसली मेरी सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों से। आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मोहब्बत एंड इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बस आई वॉन्ट योर मोर सपोर्ट। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी एंड आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे व्लॉग करूं एंड किस टॉपिक पे बात करूं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी करूंगी। यस, तो कुछ कमेंट्स मुझे अबाउट इंस्टा भी आ रहे थे कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है। जी, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, लेकिन वो जो मेरा अकाउंट था वो प्राइवेट था। अब मैंने बनाया है पब्लिक अकाउंट आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए एंड कनेक्ट रहने के लिए। तो स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा यूज़र नेम एंड आईडी दिख रही होगी, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो करें एंड शो मोर सपोर्ट। यस, तो ये है AI एंड कल भी हमने फालसे का जूस पिया था, तो ये रिकॉर्डिंग कल की है। फातिमा ने स्ट्रीक सेंड की थी फालसे की, तो इस रोबोट का फौरन रिप्लाई आया और ये इतना मजे का रोबोट है। सबके स्नैपचैट में ये और सबने ही बात की होगी इससे। ये है मेरी नानो और एक ही सिटी में रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इतने टाइम के बाद ये आई हैं स्टे करने। और जब भी कोई बड़ा आता है लाइक नानी या दादी, तो लिटरली बहुत मज़ा आता है, घर में रौनक सी हो जाती है। एंड हाँ, पानदान, नानी का मैं पानदान रिकॉर्ड करी थी, तो नानी मुझे मना करी थी कि ये तो मत दिखाओ। मैंने कहा क्या हुआ, तो इट्स कॉमन। तो बस देखें मेरी नानी किस तरह पान रेडी करती हैं। और बचपन से ही ऐसा है कि जब भी नानी हमारे सामने पानदान खोलती है ना, तो हम सौंफ एंड ये इलायची लाजमी लेते हैं नानी से, और नानी रखती भी है, नानी पान के साथ खाती हैं ये। अल्लाह ताला मेरी एंड सबकी नानी दादियों को सलामत रखे, अच्छी लंबी सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सीरियसली बड़ों का होना आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। ये है मेरा कज़न जावेर और अशद, क्रिकेट खेल रहे थे और अभी थोड़ी देर बाद बॉल गुम होगी और फिर अशद की एंड जावेर की लड़ाई होगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा था एंड ग्रीनरी की वजह से तो और ही प्यारी वाइब्स आती हैं लिटरली। तो यहाँ देखिए, मैंने अपने घर के पास छोटा सा गार्डन सेट किया हुआ है एंड इनकी टेक केयर करना, रोज़ पानी डालना मेरा काम है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी सच में बहुत पसंद है एंड घर के बाहर इस तरह के पौधे, फ्लावर्स वगैरह बहुत प्यारे लगते हैं और आपको एक ठंडी ठंडी और बहुत प्यारी सी वाइब्स आती हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा सजेस्ट करें कि यहाँ इस जगह पे और क्या क्या डेकोरेटिंग हो सकती है अबाउट ग्रीनरी। तो
मामा ने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार शाशलिक राइस जो कि मेरे फेवरेट हैं। वह चीज़ तो वैसे भी नॉर्मल इतनी खाने में नहीं आती, मोस्टली लोगों को नहीं पसंद होती, तो इस तरह राइस में डाल के लिटरली बहुत ही अमेजिंग लगती है। और इस तरह के खानों में जो है ना हम लोग खा भी लेते हैं बड़े शौक से। उफ, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, पता है रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अच्छा, तो ये वाली रिकॉर्डिंग पहले की है। ये ड्राइंग अब शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों से, और जावेर ने बनाई है। इस ड्राइंग में बहुत ही प्यारा मैसेज है, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहले तो गौर से देखें एंड फिर समझें कि क्या मैसेज है। अगर बच्चे मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट्स करें और मुझसे ये मैसेज शेयर करें, और अगर बड़े देख रहे हैं तो घर के बच्चों से इस ड्राइंग का मैसेज पूछें एंड मुझसे कमेंट्स में शेयर करें। तो यहाँ मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट कवर पड़ा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर लूँ। इसका बेस कलर समझ नहीं आ रहा मुझे कि लाइट कलर चूज करूँ या डार्क कलर चूज करूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें इफ लाइट तो कौन से कलर्स एंड इफ डार्क तो भी कौन से कलर्स। अब आती है आइसक्रीम की बारी एंड गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे गर्मी हो या सर्दी, आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट ही होती है, मेरी भी बहुत फेवरेट है। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड फ्लेवर्स में पसंद हो, हर फ्लेवर में ही पसंद है। एंड जो आइसक्रीम कोन होती है ना, उसका जो लास्ट पार्ट होता है, उफ जी। तो बस यहाँ मामा सबके हिस्से लगाकर उनको दे रही हैं, और मुझे लगता है कि इस आइसक्रीम टाइम में बहुत मज़ा आता है। लाइक जो आप कोन खाते हो तो अकेले अकेले खा लेते हो, लेकिन ये जो हिस्से लगाकर और फिर सब साथ बैठ के खाते ना, तो इसमें ज़्यादा इन्जॉय होता है, इसमें ज़्यादा। ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम एंड अब पियेंगे गरम गरम ग्रीन टी। ये तो आपको व्लॉग में लग रहा होगा, लेकिन आइसक्रीम काफी देर पहले खाई थी एंड ग्रीन टी अब सोते हुए पी रहे हम लोग। तो बस मैंने बनाई है मामा और अपनी ग्रीन टी। हम लोग रात में रेगुलर पी के सोते हैं, बस कभी कभी भूल जाते हैं या कभी कभी दिल नहीं करता, लेकिन रात में मस्त लेते हैं ये। एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ। जो ग्रीन टी पीते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पीते वो भी पिया करें। ऊपर से कुछ लेमन ड्रॉप्स ऐड कर लें आप लोग तो और मज़ेदार हो जाएगा मामला। वैसे तो लेमन ग्रीन टी पीती हूँ, उसमें लेमन ऐड करने की नीड नहीं होती, लेकिन ये बाबा लेकर आए थे ग्रीन टी, तो मैंने कहा ये ट्राई करती हूँ। इसमें लेमन नहीं है तो बस ऊपर से ऐड करना पड़ता है। यस, तो आज का व्लॉग यही है एंड व्लॉग को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बस जैसा मेरा आज का दिन गुजरा मैंने पूरा पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। इफ़ अगर कोई व्लॉग में मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर दीजिएगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Oh.